नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हमारा भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत बनने की ओर एक बार फिर से अग्रसर हो चुका है। भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले प्रधानमंत्री पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 70 साल के बाद एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया है। और नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात कही जाती है कि वह दरअसल जो भी करते हैं वह इतिहास हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। हमारा भारत स्वर्णिम भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर हो चुका है और प्रधानमंत्री ने देश से वादा किया है कि 2047 तक हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बनकर उभरेगा। वहीं आपको बताते चले कि समारोह में विशेष अतिथि दिल्ली पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति भवन में आप तैयारियां अपनी आंखों से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के लिए स्नाइपर से लेकर आकाश से लेकर पाताल तक जवानों की तैनाती की गई है कि परिंदा भी दिल्ली में पर नहीं मार सकता। वहीं वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कई रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की यह भव्य तस्वीर पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि अरबों लोग देख रहे हैं और इस देश के साक्षी होने वाले लोग सोच रहे होंगे कि आखिर 400 पार का जो नारा दिया गया था, भले ही नरेंद्र मोदी की पार्टी ने और उनके गठबंधन ने 400 का नारा जो दिया था उसे पार नहीं कर पाए, लेकिन एक बार फिर से इतिहास रच दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसी के साथ हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो 68 लोग कौन हैं, कौन सांसद ऐसे हैं जो कि मंत्री बने हैं। आपको बताते चले कि इसमें पहला नाम अमित शाह का है, दूसरा नाम सीआर पाटिल का है, तीसरा नाम मनसुख मांडविया का है, अगला नाम जेपी नड्डा का है, अजय टमटा, रणबीर सिंह बिट्टू, नितिन गडकरी, रक्षा खरसे, प्रताप राव जाधव, पीयूष गोयल, मुरलीधर मेहोल, रामदास अठावले, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, वीरेंद्र खटिक, दुर्गा दास उरके, तोखन साहू, गजेंद्र शेखावत, भागीरथ चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, अश्वनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर ये कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं जिनको भारत सरकार ने सम्मान से नवाजा है और जिन्हें सम्मान के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ा।
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान दिया है उससे पूरा का पूरा बिहार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उनके बेटे राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में मंत्री बन चुके हैं। वहीं नित्यानंद राय जो कि पूर्व में गृह राज्य मंत्री थे उनको भी मंत्री बनाया गया है। हमारे बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह जो कि पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं उनको भी मंत्री बनाया गया है। अगला नाम चिराग पासवान का है, ये रामविलास पासवान के बेटे हैं और इन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए क्या क्या नहीं किया वो आप सभी लोग जानते हैं और लाखों वोटों से जीत कर आए चिराग पासवान को मंत्री परिषद में जगह दे दी गई है। वहीं अगला नाम सतीश दुबे का है, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हमारे मुंगेर के सांसद। वहीं अगला नाम अन्नपूर्णा देवी चंद्र प्रकाश राजनाथ सिंह जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री के पद पर थे उनको फिर से मंत्री परिषद में जगह दी गई है। वहीं ब्राह्मण नेता के तौर पर जितिन प्रसाद को मौका दिया गया है, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, बीएल वर्मा, एसपीएस बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह, संजय बंडी, जी कृष्णा रेड्डी, कृष्णपाल गुज्जर, राव इंद्रजीत सिंह, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनको एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री परिषद में जगह दी गई है। वहीं अगला नाम किरण रिजिजू का है, सर्बानंद सोनेवाल, शांतनी ठाकुर, हर्ष मल्होत्रा, शोभा करंदलाजे, एच डी कुमार स्वामी, प्रहलाद जोशी, सुरेश गोपी, निर्मला सीतारमन, श्रीपद नायक, राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर, पेम्मा सानी, मुरलीधर मोहल, कृष्णपाल गुज्जर, एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री रह चुके हैं। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर पर अपना भरोसा जताया है और उन्हें एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की कमान दी जा सकती है। वहीं अगला नाम सुनकर आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। आपको बताते चले कि दरअसल चिराग पासवान के साथ साथ जीतन राम मांझी भी मंत्री बनाए गए हैं। वहीं प्रहलाद जोशी, एच डी कुमार स्वामी, जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, शांतनु ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, सर्बानंद सोनेवाल, ये ऐसे नाम हैं जिनको मंत्री परिषद में जगह दी गई है और सात देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे आन बान शान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में पहुंचे हैं। वहीं दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद की गई है कि पाताल से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। दिल्ली को दो दिनों के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है और सात देशों के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पूरी दिल्ली में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और दिल्ली का हाल देखकर आपको बताते चले कि पूरा देश एक बार फिर से गौरवान्वित महसूस कर रहा है देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बस यही प्रार्थना विनती कह लीजिए या जो भी हक अधिकार की मांग कह लीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए उन्होंने 10 साल तक कोई मीटिंग नहीं की थी लेकिन इस बार यूपी ने जहां उनके साथ कांड कर दिया वहीं बिहार ने एक बार फिर से उनके साथ वफादारी निभाई है और प्रयास रहना चाहिए मोदी जी का कि इस बार बिहार को उसका हक और अधिकार दिया जाएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर दिया जाना चाहिए। सहारा इंडिया में जिन गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो पैसा जल्द से वापस करना चाहिए। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून एनआरसी, ये ऐसे कुछ है जिनकी मांग वर्षों से की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि मोदी 3.0 की सरकार में ये सारी मांग पूरी की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी और महंगाई पर भी लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे, ऐसी उम्मीद भी की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर करेंगे, देश को श्रेष्ठ भारत, स्वर्णिम भारत, विकसित भारत बनाने की तरफ एक कदम और बढ़ाएंगे और 2047 तक
हमारा देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, और एक बार फिर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत को स्वर्णिम भारत, श्रेष्ठ भारत और सोने की चिड़िया बनाने के लिए अहम प्रयास लगातार उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर काम करने की जरूरत है। देश में बेरोजगारों की संख्या प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसके लिए अच्छे और सकारात्मक काम किए जाने की जरूरत है। पाक अधिकृत कश्मीर को हासिल करने की जरूरत है और उम्मीद की जा रही है कि मोदी 3.0 की सरकार में हम लोगों की ये सारी मांगे पूरी की जाएगी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पॉजिटिव इंडिया के लाखों करोड़ों दर्शकों की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देशवासियों को आपसे काफी उम्मीदें हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे और हमारे देशवासियों की उम्मीदों पर 100% खरा उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।